अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह। आज मौजूद हूँ मैं ज़िला चनियोट में वाक़ शेख उमर याद महल में। इस महल को आज से तकरीबन 93 बरस कबल 1930 में तमीर किया गया। 14 मरले पर मुहित ये महल उस वक्त 4 लाख रुपये की खतीर रकम से तमीर किया गया। कैसे ये महल अपने ही मकीनों का कब्रिस्तान बन गया, आइए दिखाते हैं आपको आज की इस वीडियो में। जिस वक्त मौजूद हूँ मैं शेख उमर याद महल चनियोट में, और जिसको गुलजार मंजिल भी कहा जाता है, और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है यहाँ इस महल के जो आजकल निगरान हैं ज़हीर भाई, इनसे मज़ीद इस महल के बारे में मालूमात लेते हैं। तो ज़हीर भाई, हमें इनकी जो बेसिक स्टोरी है शेख उमर याद की, उसके बारे में बताइएगा। जी सर, लाजमी सर, ये जो महल है शेख उमर याद साहब ने बनवाया था 1921 में। शेख उमर याद साहब चनियोट के शेख थे, इनके कारोबार थे पार्टीशन से पहले कलकत्ता और ढाका वगैरह में। तो क्योंकि भाई शहर चनियोट था, उन्हें अपने चनियोट से इतनी मोहब्बत थी, तो उन्होंने 1921 में ये 14 मरले ज़मीन लेके 10 साल की मुद्दत में 4 लाख रुपए लगा के ये 5 मंजिला इमारत तामीर करवाई। इमारत जैसे तामीर हुई, कुछ लोग कहते हैं कि साथ ही उमर याद साहब की डेथ हुई, कुछ लोग कहते हैं कि 1935 में उनकी डेथ हो गई। तो उन्हें उनकी वफात के बाद उन्हें यहाँ पास में कब्रिस्तान पीर हाफिज़ दीवान साहब का वहाँ दफनाया गया। उसके बाद उनका बेटा ना, क्योंकि गुलजार कोलकाता में मकीम था, चनियोट में वापस आया अपना कारोबार समेट के। तो वालदा ने कहा चलो मैं अपने बेटे की शादी करती हूँ, बाप के मरने के बाद कुछ इस महल के वारिस पैदा हो। 1938 में गुलजार की शादी चनियोट की तारीख में इतनी आलिशान शादी थी कि इनकी शादी पे चनियोट की पहाड़ियों पे ढोल बजा के लोगों को दावत दी गई, खाने की खुशबू सूंघ के आग का धुआं देख के अपनी शादी में आना है। इवन के यहाँ पर चनियोट में लाइट नहीं थी, तो 52 में चनियोट में लाइट आई है। कलकत्ता से बड़े बड़े ग्लोब और बैटरियाँ मंगवा के इस पूरे चनियोट को दुल्हन की तरह सजाया गया उनकी शादी पर। जब खुशियाँ रूज पे थी, इस महल में लोग नाच रहे थे, उसी रात की सुबह जब वलीमे वाला दिन था, गुलजार अपने वॉशरूम में जो यहाँ पास में नहाने के लिए गया, अंदर अंगिट्ठी जलाई थी क्योंकि सर्दियों के दिन थे। उस अंगीठी के धुएं से गुलजार की अपनी शादी वाली दिन मौत हो गई। जो खुशियों का माहौल गम में तब्दील हो गया, तो उनकी वालदा ने बेटे को इसी महल में दफना दिया। उन्होंने कहा जिस बेटे के लिए महल बनवाया, जब वो जिंदा इस महल में नहीं रह सका, मर के तो रहेगा, उन्हें यहाँ दफना दिया। उसी साल में वालदा बेटे की कब्र को बोसे देती देती इस दुनिया को छोड़ गई। तो उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें इस महल में दफनाया गया उनके बेटे के पहलू में। उसके बाद जो इनके वर्सा थे उमर याद साहब के भाई भतीजे, उन्होंने इस महल को मनहूस कह के यहाँ रहना गवारा नहीं समझी और छोड़ दिया। जो इनके घरों में काम करते थे माछी चनियोट के लोकल बिरादरी, ये महल उन्हें दे दिया गया। कुछ अरसा बाद यहाँ यतीम खाना भी बना दिया गया ताकि मरहूमीन को सवाब मिले। उसके बाद वो मुलाजमीन रहते रहे। 1974 में इसकी 2 मंजिलें ऊपर से गिरा दी गई हैं, जहाँ पे खड़े होकर दरिया चनाब नज़र आता था बसीदा होने की वजह से। क्योंकि लोग हमारे चनियोट के लोकल लोग यहाँ आने से डरते थे, वो कहते थे ये भूत बंगला है, मनहूस चीज़ है। पर डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो ख़ुद के बानी और डी सी साहब ने यहाँ लाइब्रेरी और म्यूज़ियम का क्याम और न्यूज़पेपर लगवाया ताकि लोग डेली रूटीन पर यहाँ आए, जो इनके दिल में खौफ था वो ख़त्म हो जाए। और जो सामने आप प्लॉट देख रहे हो, ये सामने वाला प्लॉट जो है, ये भी डीसी अतर ताहिर साहब ने खुद परचेज़ किया महल की लोकेशन के लिए, ताकि महल जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आए। क्योंकि महल की इंटरेस्ट इस साइड से थी, पहले यहाँ से मेन इंटरेस्ट यहाँ से थी, बाद में ये डीसी साहब ने जगह परचेज़ करके यहाँ से बनवा दी है। बाकी आए अब आपको महल दिखाते हैं सारा। ये है इस महल की मेन इंटरेस्ट, मेन डोर, जो यहाँ ये मेन रास्ता था आने जाने के लिए, क्योंकि पहले यही मेन डोर था। बाद में जो मेन डोर है वो डीसी साहब ने उस साइड पे बनवा दिया था। पहले आने जाने का मेन डोर ये था। यहाँ पे आपको चनियोट की जो खूबसूरती है फर्नीचर लाइन में लकड़ी की, वो आपको नज़र आएगी, या कितनी खूबसूरती से काम किया गया इस दरवाज़े पे। अब ये मेन डोर है जो मेन इंट्रेंस इस्तेमाल होती है महल में आने जाने के लिए, क्योंकि पुरानी इंट्रेंस थी वो बंद कर दी गई है, अब ये इस्तेमाल होती है। चले आए आपको अब अंदर ले चलते हैं महल के। ये हम महल के अंदर इंटर हो गए, इस महल के सेन में है। ये सेन में आप देखेंगे कि 2 कब्रें हैं जो इनके मालकान की हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फातिमा जोजा उमर हयात की, उमर हयात साहब की बेगम की कब्र है जो उन्हें यहाँ दफनाया गया, साथ ही उनके बेटे की कब्र है जो अपनी जिनकी अपनी शादी वाले दिन डेथ हुई थी, तो उन्हें भी यहीं दफनाया गया। उसके बाद आए आपको इस महल के जो कमरे हैं उनका टूर करवाते हैं।
ये कमरा जो है ये उमर रियाज साहब का अपना ज़ाती बेडरूम था, इसे बाद में मीटिंग रूम बना दिया गया है। इसे गोल्डन अलमारियों वाला कमरा भी कहा जाता है। जो चिन्योर जिस काम के लिए मशहूर है वो आपको यहाँ नज़र आएगी। यहाँ पे जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है, इस लकड़ी ये सागवान है बर्मा टैग के नाम से जो मशहूर है। उसके बाद आप ज़रा इसकी छतों का व्यू लीजिएगा, आप महल की हर छत का डिज़ाइन अलग होगा। ये दाल माश मिट्टी चूना गुड़ का शीरा और चावल का आटा, ये उनसे बनाई गई छतें हैं। उसके बाद इस महल में जो आपको ये देखें आप, जो ये ना टाइल्स लगी हुई हैं ज़मीन पे और जो शीशे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये यूरोप इटली से इंपोर्ट करवाए गए हैं यहाँ पे। और ये जो नीचे बॉर्डर में टाइल लगी हुई है, ये जो टाइल है ये चाइना से इम्पोर्ट करवाई गई है। उस टाइम उनके दोस्तों से मिलने का कमरा है जिसे बैकेट कहते हैं। यहाँ पे आप इसकी छत देखिएगा, इसकी छत के ऊपर आपको UH लिखा हुआ नज़र आएगा। UH मीन्स उमर हयात, ये उनके नाम का मोनोग्राम है। उसके बाद आप ज़रा सामने शीशे पे देखिएगा, वो जो सामने शीशा लगा हुआ है खिड़की पे, उस पर भी UH लिखा हुआ है। वाइट लाइन U को ज़ाहिर करती है और सब्ज़ लाइन जो है वो H को ज़ाहिर करती है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ जितनी भी अलमारियाँ और खिड़कियाँ इनमें जोड़ नहीं है, ये जोड़ के बग़ैर काम किया गया यहाँ पर। और साथ ही आप ये देखें इस बिल्डिंग की चुनाई उसारी प्लस्तर भी दाल माश मिट्टी चुनने से किया गया जो आपको ये सामने नज़र आता है। अब ये देखें ये दो दरवाजे हैं जो इस तरफ ही खुलते हैं। एक तरफ अगर आज आप रूल के अकॉर्डिंग देखें तो एक दरवाज़ा बाहर खुलता है, एक अंदर खुलता है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो दोनों एक साइड खुलेंगे। ये देखिएगा, एक हो गया ये दरवाज़ा, दूसरा ये खूबसूरती के लिए बनाया गया था। उसके बाद इसे जब हमने ओपन किया तो ये भी एक साइड खुलता है। ये देखें और यहाँ पे इनमें गैप आ जाता है, जब हम इसे क्लोज़ करते हैं तो ये दरवाजे हैं जो वो इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इनमें वो गैप ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आप इस साइड पे ये देखें, ये महल की पूरी तस्वीर है जो गुलजार मंजिल था, क्योंकि इसका असल नाम है गुलजार मंजिल। बाद में इसने शोहरत उमर हयात महल से पाई। इसकी जो छतें ऊपर वाली दो मंजिलें वो गिरा दी गई हैं 1974 में बसीदा होने की वजह से, जहाँ पर दरिया चिनाब नज़र आता था। उसके बाद आप ज़रा ये छत पे देखिएगा, हर कमरे की छत का व्यू अलग है, जो यहाँ हर कमरा अलग डिज़ाइन को मद्देनज़र रख के बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे आइएगा, ये है लाइब्रेरी जो 1990 में बनाई गई है यहाँ पे ये। उसके बाद नीचे आप देखिएगा, ये उनका है बेसमेंट बैंक जहाँ वो अपना कीमती सामान सोना चांदी जेवर छुपाया करते थे, जो इसी एक रूम के तक की है। दूसरा एक सामने भी कमरा है, बिल्कुल आए वहाँ से भी आपको दिखाते हैं। उस कमरे की छत थोड़ी सी मुनफरिद है, अलग है। दूसरा कमरा जो ये भी लाइब्रेरी बना दी गई, इसी में भी उसी तरह तहखाना है। ऊपर आप इसकी छत देखें, इसकी छत जो है वो लकड़ी में बनाई गई है और इस लकड़ी के कलर उस टाइम के हैं जो जिनमें अभी तक कोई रद्दबदल नहीं की गई, इस उसी टाइम के कलर हैं। बाकी ये किताबें हैं यहाँ, ये इंग्लिश में इस्लामिक पोर्शन पढ़ा हुआ है हमारे पास, और वो सामने टोटल इस्लामिक पोर्शन पढ़ा हुआ है। यहाँ पे इस्लामिक किताबों का स्टॉक हमारे पास अवेल है। और यहाँ पे जो है ये बच्चों का पोर्शन है इस साइड पे। उसके बाद इधर हमारे पास पुराने न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं जो क्रिकेट के हवाले से 1990-1993 वगैरह के न्यूज़पेपर हमने स्टॉक अपनी लाइब्रेरी में रिकॉर्ड किए हैं। अब आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं जो यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आप इस साइड पे देखें, यहाँ पे ये है कुरान पाक। ये कुरान पाक 200 साल पुराना कुरान पाक है, हाथ से लिखा हुआ है कलमी नुस्खा। जैसे उर्दू रस्मी ख़त है, ये फारसी रस्मी ख़त में लिखा गया। नीचे पाकिस्तानी करेंसी आ जाती है, सिक्के 98-94 रुपये पैसा, 2 आने 2 पैसे, जो 1940-1948 की करेंसी पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद नीचे ये कबूतर की हड्डी है, ये एक पायल वगैरह पड़ी हुई है, ऐनक और क्रिसमस बॉक्स पड़ा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाइए, हमारे पहली तहजीब के बर्तन पीतल और तांबे के, जो चिन्योड़ के हैं, जो 300-400 साल पुराने बर्तन हैं। जैसे यहाँ पे ये कांसी का बर्तन यहाँ पर पड़ा हुआ है, कांसी है। नीचे पीतल वगैरह के बर्तन पड़े हैं, हॉट पॉट वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे पीतल के पड़ा हुआ। ये जो चीज़ है ये है नगारा, नौबत। जैसे पहले टाइम में ऐलान वगैरह करने के लिए जो ढोल की तरह बजाया जाता था, ये वो था। इसके ऊपर लेदर का हुआ करता था, पर वो अब ख़त्म हो गया है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। इसका कंसेप्ट यहाँ पे ये था कि ये सैर व अफ्तार के दौरान यहाँ इसकी टॉप वाली छत पे बजाया जाता था।
उसके बाद ये कुर्ता जो है ये 1900 में कश्मीर की तारीख चली थी तो चिन्योट के शेख इलाही बख्श कश्मीर में शहीद हुए थे, ये उनका कुर्ता है, उन्होंने शहादत के टाइम ये कुर्ता पहना हुआ था। इन पे आप ज़रा फोकस करें, इनके ब्लड के निशान आज भी इस कुर्ते के ऊपर मौजूद हैं, ये देखें। उसके बाद ये इनका खंजर, ये इनकी लाइट, ये इन्हीं की है उस टाइम की। और नीचे जो है ये उमर रियाज साहब के पास उस टाइम गाड़ी थी, जो कायद अजम के पास लैमोजिन गाड़ी थी, उस गाड़ी का टायर है। उमर हयात साहब इतने लाड थे कि उनके पास जो कार थी। ऊपर आप देखिएगा ये नियाज अहमद जलंधरी हैं, ये जलंधर से आए थे, इन्होंने इस महल में आर्ट का काम किया, जो अपने यहाँ पर जितना भी डिज़ाइनिंग छतों पर देखी है इन्होंने यहाँ इस महल में ये काम किया है। ये ऊपर टी सेट पड़ा हुआ है, चाय के बर्तन, संदूचरी, ये है चिरागदान जिसमें चिराग रखा जाता था। उसके बाद यहाँ पे ये सरदार मकसूद खान दुरानी पठान 1764 में हमारे चिन्योट के गवर्नर थे, इन्हें 1805 में राजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे आके शहीद किया था चिन्योट में आके। बिल्कुल सामने हमारा किला रेखती, ये वहाँ पे गवर्नर थे। ये जो तलवार है ये इनकी ज़ेर इस्तेमाल तलवार थी, इन्हें पहाड़ियों के दरमियान दफनाया गया जिसे मल्ला मकसूदाबाद कहा जाता है। नीचे ये कुरान पाक की रेल है जो चिन्योट की कार्विंग को जाहिर करती है, कारीगरों की, और ये चारपाई का पाया पड़ा हुआ, कितना खूबसूरत बनाया गया चिन्योट के कारीगरों ने यहाँ पे। उसके बाद ये जो चीज़ है ये यहाँ पे जो महल में कुआँ है उस कुएँ में इस्तेमाल होता था, जो कुआँ जो है वो बॉटम से ले कर टॉप तक है, मतलब कि आखिरी मंजिल से ले कर ऊपर वाली मंजिल तक कुएँ की रसाई है। और वो आप ज़रा सामने आके देखिएगा, यहाँ पर है नेल आर्ट, नाखून निगारी, नाखून से की गई पेंटिंग। जैसे कि ये देखें नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नाखून के साथ, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है नाखून के साथ, ये लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखून के साथ कागज़ के ऊपर, ये लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाखून के साथ कागज़ के ऊपर। और ये हैं आगा वासिफ साहब, अब्दुल आगा वासिफ साहब, जिन्होंने यहाँ पर ये काम किया है, लाहौर शाही किले में भी इनका काम पड़ा हुआ है। उसके बाद ये सामने सदारती चेयर, ये सामने, और ये है ऊँट की कुहान, ऊँट की काठी, यहाँ ये चीज़। हाँ जी, आए आपको आप ऊपर ले चलते हैं, और यहाँ पे वो ना खुन्नी वाशरूम है जहाँ गुलजार अपनी शादी वाली जिसकी वफ़ात हुई थी, ये वाला वो वाशरूम है। इसे अब इसे बाद में जदीद कर दिया गया, पहले गुसल खाना था नहाने वाली जगह, तो यहीं पे साथ ये गीज़र है उस टाइम का जहाँ पानी गर्म किया जाता था। नीचे वो आग की अंगीठे जिसमें आग जलाई जाती थी, लकड़ियाँ वगैरह जिसमें पानी गर्म होता था। और यहाँ से आप अगर स्टेयर का व्यू लीजिएगा तो आपको पूरी स्टेयर ऊपर टॉप तक लकड़ी की नज़र आएंगी। ये सीन आपको हॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में नज़र आएगा, ये वाला सीन। उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे आ जाएं आप। हाँ जी, यहाँ पे ये देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि 52 में चिन्योट में लाइट आई है, ये जो सामने वाली जगह है ये चिरागों के लिए बनाई गई है, यहाँ पे चिराग रखे जाते थे और आईने लगे हैं रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्ट रोशनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती थी। इन स्टेयर की एक ख़ास बात है ये है कि हर पर्सन के वेट के मुताबिक इन स्टेयर का जो साउंड है वो अलग होता है, ऊपर जाने का साउंड अलग है, नीचे आने का साउंड अलग है, हर पर्सन का अलग है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा पहला आ जाता है कुएँ का पॉइंट, यहाँ पे कुएँ अंदर कुआँ बंद कर दिया गया है ताकि कोई चीज़ ना गिर जाए। यहाँ पे चैम्बर बना हुआ है जहाँ पे कुएँ से पानी निकाला इसके अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे नालियाँ बनी हुई हैं जो नीचे पूरी बिल्डिंग में पानी सप्लाई हो जाता था, चाहे वॉशरूम हो, गुसल खाने हो, किचन हो। यह जिस टाइम का ना गर्मियों में इस्तेमाल वाला गुसल खाना, खुला हवादार जिसमें गर्मियों में नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये वाला वॉशरूम। यहाँ पे अब कुएँ का तीसरा पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे ये कुआँ है यहाँ से, और यहाँ इधर चैम्बर बना हुआ है, कुएँ से पानी निकाला इसके अंदर डाल दिया और यहाँ से आगे पूरी बिल्डिंग में पानी सप्लाई हो जाता था। यहाँ पर ये टैंक में स्टोर होता था पानी और आगे पूरी बिल्डिंग में सप्लाई हो जाता था। उसके बाद आप ये कार्विंग यहाँ देखिए, कितनी खूबसूरत कार्विंग की गई है। यहाँ पे इलाही बख्श पिर्जा ने काम किया था, उसका कहना ये होता था कि मुझे रात को ख्वाब आते हैं और सुबह आके मैं काम करता हूँ। वहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे ये झरोका है, ये झरोका यहाँ पे सबसे मशहूर चीज़ यहाँ पर ये झरोका है, जैसे हवेली बेड झरोके वगैरह छोटे यहाँ से कॉपी की गई है।
झरोका असल में एक इंडियन तहजीब है। इंडियन तहजीब में झरोके इस्तेमाल किए जाते थे क्योंकि कोलकाता में उमर हयात कोलकाता में रहता था, उसे ये कल्चर बड़ा पसंद था। इलाही बख्श पिरजा का कहना था कि वो कहता था मैंने इस बिल्डिंग में दिल और दिमाग से काम किया। आप वो ज़रा सामने देखिएगा जैसे रोशनदान आँखों की तरह बनाए हुए हैं, आँखें उसने की हैं दिमाग के साथ ज़ाहिर। और आप अंदर वाली साइड पर देखिएगा, इन साइड देखेंगे तो दिल होंगे आपको, भाई मैंने इस बिल्डिंग में अपने दिल और दिमाग से काम किया है। आए जी आपको अब दूसरी मंजिल पे लेके जाते हैं। ये है जी इस महल की दूसरी मंजिल। ये हिस्सा बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, यहाँ पे बड़े खूबसूरत काम किया गया है। जैसे आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा है, आप ज़रा वो फोकस करिएगा सामने बॉर्डर पे। ये बॉर्डर जो है यहाँ पे, ये बॉर्डर चाइनीज़ आर्ट है, चाइनीज़ कारीगरों ने यहाँ पे आके काम किया है। उसके बाद अगर आप ज़रा छतों पे ज़रा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे जो इस छत है ना, यहाँ पे हर छत के ऊपर अलग अलग मोटिव बना हुआ है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये है ना शीश महल आगरा का, जिसे ये ऑयल पेंटिंग से किया गया है। अगर वो सामने देखिएगा तो वो सामने विक्टोरिया पैलेस है कोलकाता का, और अगर इस साइड पे देखिएगा तो सुंदरबन का महल बना हुआ है राजस्थान का, और अगर उस साइड पे देखिएगा तो वो दीवारें चीन बनी हुई है वॉल ऑफ चाइना, वो सामने अगर आप फोकस करें तो आपको वो नज़र आएगा वहाँ पे मिड में, सेंटर में, वो सेंटर में ये वॉल ऑफ चाइना दीवारें चीन बनी हुई है यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे आए आपको ये चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे कार्विंग जो है, यहाँ पे देखें कार्विंग के मुकाबले पे चुन्ना मिट्टी से काम किया गया। अगर उसने यहाँ कार्विंग की है तो उन्होंने मुकाबले पे उस पर चुन्ना मिट्टी से कितनी खूबसूरती के साथ काम किया गया। उसके बाद ये झरोके की खिड़कियों के बारे में आपको दिखाता हूँ। इधर आए यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे इनमें इतनी खूबसूरती है जैसे लकड़ी के ऊपर शायरी की गई है। उसके बाद इनमें एक ये चीज़ है, ये देखें जैसे तितली के पंख आपस में फड़फड़ाते हैं और जैसे फूल की पत्तियां आपस में मिलती हैं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शीशे का मोर बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। ये देखें लकड़ी की, लकड़ी पे शायरी की गई है, कितनी खूबसूरती और नफासत से यहाँ काम किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आए आपको इस साइड पे ले चलते हैं। ये जो कमरा है, ये गुलजार उनके बेटे का कमरा था। बिल्डिंग में सबसे खूबसूरत कमरा ये था। आप इसकी ज़रा छत देखें, बॉर्डर देखें, कितना खूबसूरत बॉर्डर है, बेल बूटे का इस बॉर्डर पे काम किया गया है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे चाहे ना यूरोप का पत्थर लगा हुआ था ज़मीन पे, वो भी उतर चुका है। और सामने आतिशदानों पे कीमती पत्थरों का काम था जो लोगों ने उतार लिया यहाँ, जैसे यकूत मरजान वगैरह लगे हुए थे जो लोगों ने उतार लिए हैं यहाँ से। कुछ काम यहाँ बचा है इस साइड पे, इधर देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ काम बचा हुआ है शीशे का। ये कीमती नहीं था तो इसलिए इसे छोड़ा गया, वरना ये भी उतार लिया जाता यहाँ से काम। यहाँ पे हर खिड़की और दरवाजे में आर्ट है, हर खिड़की दरवाजे में आप देखेंगे कुछ ना कुछ बना हुआ है। जैसे आप ऊपर बॉर्डर पे ज़रा गौर कीजिएगा, आपको मुग़ल आर्ट के तस्वीरें नज़र आएंगी, मुग़ल कल्चर की। वो सामने जैसे ताजमहल बना हुआ है, दिल्ली की शाही मस्जिद बनी हुई है, शाही किला, शाही ना दरबारों के व्यू बने हुए हैं यहाँ से। इस खिड़की से आप ज़रा व्यू ले लीजिए और सामने चिन्नौर की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। और यहाँ देखिए, जैसे मैंने बताया यहाँ हर चीज़ आर्ट है। जैसे मैंने अब ये खिड़की ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये देखिएगा, जैसे एक हो गई हैं। अगर इसे बंद किया तो ये अलग, इसे खोला तो ये एक हो गई हैं यहाँ पे। में ख़ास बात है कि इनमें जोड़ कोई नहीं है, जोड़ के बगैर काम है यहाँ पे। देखिए कितनी नफासत से काम किया गया। और ये देखिए कि उस वक्त मशीन नहीं होती थी, ये हाथों की कारीगरी है, लोगों ने ये हाथों से काम किया हुआ है यहाँ पे। आए जब आप दूसरे कमरे में चलते हैं, यहाँ पे आप ज़रा छत देखिएगा, कितनी खूबसूरत छत है।
यहाँ पे। और उसके बाद आप ये एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे हर खिड़की और दरवाज़ा बिल्कुल बिल्कुल इक्वल है, अपने आमने सामने, ताकि हवा की क्रॉसिंग रहे। अगर आप ये खिड़की देखेंगे तो बिल्कुल सामने दरवाजे और खिड़की हैं एक दूसरे के। और ये छत ज़रा देखिएगा, ये सिंध के तहजीब है, सिंध के कल्चर को जाहिर करते हैं, सिंधी अजरक। उसके बाद अगर आप यहाँ से एक बार सामने वाली दीवार का सीन लेंगे तो आपको लाहौर शाही, किला शाही, दलबार का व्यू नज़र आएगा। दीवान ख़ास था ये, उसका व्यू बना हुआ है सामने। उसके बाद ये छत देखिएगा, ये सरायकी अजरक। ये एक राजस्थान का कल्चर है, पैटर्न है, कपड़े में इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा, ये उस छत को मद्देनजर रखता है। अब यहाँ पे ये देखिएगा, आपको नीचे वाली मंजिल का खूबसूरती अलग है, ऊपर वाली मंजिल की खूबसूरती अलग है। यहाँ पे उमर हाज साहब ने इस 14 मरले पे हर तहजीब को इस्तेमाल किया। जैसे आप ये देखें कि हर खिड़की और दरवाज़ा सेन में खुलता है। ये कंदरहार की तहजीब है, जो पुरानी तहजीब अफगानिस्तान की तहजीब थी, वहाँ पे ये इस तहजीब में मकान बनाए जाते थे कंदरहार की, कि हर दरवाज़ा जो है वो सेन में खुलता है। यहाँ पे चिन्योट को उसने, चिन्योट की तहजीब में कार्विंग आ जाती है, तो उसने अपनी कार्विंग को फोकस किया यहाँ पे। उसके बाद इंडियन तहजीब में आ जाता है, ये झरोके वगैरह ये हिंदू तहजीब में है। यहाँ ये जो मेहराब बने हुए हैं, ये मेहराब मुग़ल तहजीब को मद्देनजर रख के बनाए गए हैं। चाइनीज़ आर्ट में चाइनीज़ तहजीब नज़र आती है। हाँ जी, अब आपको ऊपर छत पर ले जाते हैं, जो इसके महल के वीराने को ज़ाहिर करता है, जहाँ इसका उजड़ापन नज़र आता है इस महल का। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ एक आखिरी कुएं का पॉइंट है ये। यहाँ पे भी कुआं था, यहाँ पे भी पानी की रसाई थी, ताकि महल में हर जगह कुएं का पानी की रसाई थी ऊपर तक, ताकि मुलाजिमों को मुश्किल ना हो। ये जी उनका किचन, उसी हालत में वैसे का वैसा। इस किचन में कोई रद्द बदल नहीं की गई, ये उसी हालत में वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे पहले हैंड पंप था, यहाँ पे नलका, वहाँ से पानी निकाला, इसके अंदर डाल दिया। ये चैम्बर जैसे बना हुआ है, मैंने बताया है, ये चैम्बर है, इसके अंदर पानी डाला और यहाँ पानी स्टोर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, कितने खूबसूरत टाइल लगी हुई है, पत्थर लगा हुआ है। यहाँ पे अभी बिल्डिंग टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत छतें थी, जो अब खस्ता हाली का शिकार है। उसके बाद आप सामने कमरे में देखेगा, ये कमरा उसी हालत में वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। यहाँ पे ज़मीन पे टाइल और छत देखे, कितनी खूबसूरत छत है। इस छत के कलर असल उसी टाइम के जेन्युइन कलर हैं, कलर आज भी ख़राब नहीं हुए, वैसे के वैसे है। और आप वो सामने खिड़की से चिन्योड़ का व्यू लीजिएगा, सामने वो छत देखें सामने वाली। ये रेनोवेट किया गया था महल, ये तब छत बनाई गई थी, असल इसकी जो छत है वो अलग थी, तो ये रेनोवेट में इस्तेमाल किया गया। ये छत देखिए, ये कमरा कितना खूबसूरत है, जो पुरानी हालत में अपने पड़ा हुआ है। यहाँ पे खिड़कियों पे वैसा चूना मिट्टी का काम है, दरवाजों पे वही काम है। यहाँ पे आपको यूरोप की तहजीब नज़र आएगी। यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिएगा ऊपर, वो हर फूलदान के अंदर जो है अलग अलग आर्ट है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें बनाई गई हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये ऊपर छत के ऊपर डिज़ाइन नज़र आता है, ये ज्योमेट्री पैटर्नर है। ये जो रियाजी में मास्टर करते हैं, उन्हें ये ज्योमेट्री के पैटर्न पढ़ाए जाते हैं, जो यहाँ बिल्डिंग में डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल किया गया है। ये है जी इस टाइम का फ्रिज, मतलब फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पानी से बड़ा बर्तन इसके अंदर रखा,
पानी से भरा बर्तन इसके अंदर रख दिया, जो चीज़ पकाई वो इसमें रख दी गई, और ऊपर से ये यहाँ पे दरवाज़ा था, दरवाज़ा बंद किया कर दिया जाता था और चीज़ें ख़राब नहीं होती थी वेंटिलेशन से, हवाओं से। और इस साइड पे अगर आप आएँ तो आपको ये पहाड़ी की साइड पे मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखें, वो आपको सामने वाला जो व्यू सामने देखें वो बिल्कुल जो आपको ऐसे लग रहा है जैसे शेर है वो पहाड़ी के ऊपर टावर के साथ जो है। वो ऐसे जैसे शेर बैठा हुआ है हमारी तरफ देख रहा है। यहाँ पे ऊपर मंजिल थी जहाँ पे खड़े होकर दरिया चिनाब नजर आता था। इस वक्त जो जिधर मैं खड़ा हूँ ये महल की चौथी मंजिल है, और इस महल की ये चौथी मंजिल का एक स्टोर रूम है, आपको अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये स्टोर रूम है जो अब बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, और उसकी छत बिल्कुल वीरान हो चुकी है। ये इस चौथी मंजिल का जी एक ही बचा कुछ आखिरी रूम है, आइए आपको ना छत पे लेके चलते हैं। ये सीढ़ियाँ जो पहले बलाई मंजिल पे जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, अब वीरानी का मंजर पेश करनी, बड़ी खस्ता हो गई है, हम भी बड़ी एहतियात से चल रहे हैं, और ये इसकी छत पे आ गए। इसका मामूली सा हम आपको व्यू दिखाएंगे क्योंकि ये बड़ी खस्ता हाल है और अपनी ज़िंदगी का रिस्क भी नहीं ले सकते, और साथ में लोगों के घर हैं। ये ज़रा छत दिखाएं, छत सारी वीरान हो चुकी है, ये बिल्कुल सारा वीरानी का मंजर पेश कर रही है। इसकी चौथी मंजिल थी, महल की तीसरी मंजिल पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 1970 की दहाई में इसकी जो चौथी और पांचवी मंजिल थी वो खस्ता हाली की वजह से उसको गिरा दिया गया। अब ज़रूरत इस वक्त इस अमर की है कि इस जो बाकी बच गई है बिल्डिंग, इसको सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चनियोट इस पर तवज्जो दे, आसार कदीमा वाले भी, और आला हुकाम से मेरी खसूसी अपील है कि इस कीमती असासे को बचाएँ। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमारी आज की यह काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।